हे गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मेरा नाम है समीर सिंगर और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नए टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करने उतरा हूं। और ये टॉपिक क्या है? CSIR ने जो है कोरोना टेस्टिंग के लिए गाइस एक किट तैयार की है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिल रही है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, और क्या बातें आ रही हैं, CSIR के अधीक्षक क्या कह रहे हैं इस बारे में, और कौन कौन सी संस्था इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कि ये किट कब तक बाजार में उतरेगी, तो किस संस्था पर ये निर्भर करता है, हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। शुरुआत करते समय सबसे पहले आपको देखने वाली बात यही है कि इस समय कोरोना का देश भर में या दुनिया भर में क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस समय केसेस हैं वो 1 मिलियन को पार कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन चुकी है अब, क्योंकि 1 मिलियन ये पूरे विश्व की बात चल रही है। 1 मिलियन सिचुएशन पार हो चुकी है। डेथ्स जो हैं वो 53,000 हो चुकी है और रिकवरी हो चुकी है 2 लाख, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चिंताजनक सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि अभी जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जितनी टॉप कंट्रीज़ हैं वो सभी के सभी जो हैं इस समय कम्युनिटी स्प्रेड से जूझ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी स्प्रेड, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कम्युनिटी स्प्रेड जो हो जाता है उसका मतलब होता है कि अब नॉन लिविंग थिंग्स पर यह वायरस फैल गया है, या कोई एरिया किसी देश का वो ऐसा अफेक्टेड है या इन्फेक्टेड है कि वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको ये इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। तो वो कम्युनिटी स्प्रेड कहलाता है, फॉर्माइट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात ये देखिए कि यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, अमेरिका की हालत तो हमने पिछले एक हफ्ते में देखी ही है, क्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है बिगड़ गई है। इटली भी काफ़ी जो है इस समय जूझ रहा है, सबसे ज़्यादा डेथ जो है इटली में है, 13,000, और स्पेन जो है वो तीसरे नंबर पर चल। चिंताजनक बात ये है और काफ़ी एक अचंभित बात यह कि चाइना जो है वो अभी भी 81,000 पर ही है। तो कहीं ना अब कह नहीं सकते कि चाइना जो है वो छुपा रहा है या जो भी है, ठीक है, इस बारे में कोई हम बात नहीं कर सकते इस समय। हाँ, लेकिन इंडिया जो है वो 2,000 पर आ चुका है, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि 1,000 आने में टाइम लगा था, लेकिन अब जो है आंकड़ा 2,500 है, और जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो देखा यही जा सकता है कि कल तक या परसों तक ये 3,000 भी पहुंच जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। तो गाइस यही बात है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है, तो सुरक्षित रहिए। थोड़ा सा अभी जो है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है, आप जितना हो सके घर में बने रहिए। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो बात आ जाती है कि ये खबर आई है, काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से हमें ये खबर मिल रही है, ठीक है, कि भारत की जो CSIR है उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने पेपर स्ट्रिप टेस्ट एक बनाया है, ठीक है, पेपर स्ट्रिप टेस्ट डिज़ाइन किया है। अब ये जो स्ट्रिप टेस्ट है ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल वैसे काम करता है कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डिफरेंट तरह के सोर्सेज से डिफरेंट तरह के स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए एक टेस्ट उसी तरह का तैयार किया गया है जैसे आपका शुगर टेस्ट या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि CSIR की इस इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस सोर्स है ये NDTV, यहाँ से भी यही खबर हमको मिलती है कि CSIR ने ये बात कही है। CSIR ने ये जो डिज़ाइन बनाया है, ये जो टेस्टिंग किट उन्होंने बनाई है, ये उन्होंने किसकी मदद से बनाई है? IGIB की मदद से बनाई है। अब CSIR और IGIB जब दोनों काम कर रहे हैं तो ICMR ये भी ज़रूर कहीं ना कहीं लिस्ट में आएगा ही आएगा। तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं कि तीनों अपने अपने तौर पर क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं CSIR, इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा नहीं है लेकिन ये दिल्ली में है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं शेखर मांडे, ठीक है। शेखर मांडे ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि IGIB की मदद से इन्होंने एक पेपर बेस्ड टेस्ट तैयार किया है जो अभी अप्रूवल के लिए बाकी है, ठीक है, अभी इसके अप्रूवल का इंतज़ार है। असल में बात यह है कि अभी इन्होंने कुछ ही पेशेंट्स के ऊपर ये टेस्ट जारी किया है, अभी भारी मात्रा में इस टेस्ट को करना बाकी है, और ICMR अभी यही देख रहा है कि ये टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है। तो जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ये टेस्टिंग के लिए आपके जो नियर बाय शॉप्स होंगे वहाँ पर ये टेस्टिंग किट उपलब्ध हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, इनका ये भी कहना था इस इंटरव्यू में
कि ये टेस्ट जो होगा ये करीबन करीबन 500 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छी ये चीज़ है, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग के लिए हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है, जो अपने आप में एक सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर जाते हैं तो इन्फेक्शन अगर ना भी हो तो होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि हम अक्सर एक बात कह रहे हैं कि भारत में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, तो टेस्टिंग कम हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पेपर टेस्टिंग अगर आ जाएगी तो हमारे भारत में टेस्टिंग बढ़ेगी, और फिर हमें सही तौर पर एक एक्यूरेट तौर पर ये अंदाज़ा हम लगा पाएंगे कि कितने लोग सही में अफेक्टेड हैं इस इन्फेक्शन, इस वायरस से, ठीक है। CSIR के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। CSIR जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हुआ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हुआ, ओशन साइंस हुआ, मेटलर्जी हुआ, लाइफ साइंस हुआ, पेट्रोल, लेदर, माइनिंग, फूड, इन सब में ये अलग अलग तौर पर कई सालों से कार्य करती आई है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1942 में, ठीक है। शेखर सी मंडे इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, और प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं IGIB। अब जो बात आ जाती है कि किसके साथ मिलकर इस पेपर टेस्टिंग को डेवलप किया जा रहा है, तो इसका नाम है IGIB। IGIB क्या होता है गाइस? इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटरग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये मुख्य रूप से जो है हमारे बायोलॉजी, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हमारे देश में खोज होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाता है IGIB, ठीक है। तो IGIB के साथ, और इसकी जो पेरेंट, इसकी जो सोर्स है, जो पेरेंट इसका डिपार्टमेंट है, वो कौन है? CSIR है। ये CSIR का ही एक पार्ट है जो दिल्ली में है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो इन्होंने जो है, इसकी जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं डॉक्टर अनुराग, वो जो सॉरी जो इसके अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो CSIR IGIB के डायरेक्टर हैं। उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि अभी हम इस फैसिलिटी को जल्द ही लेकर आएंगे, लोकल फैसिलिटीज़ में ये फैसिलिटी मिल जाएगी, और ये कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज आएगा जो हमें शूट अप देगा कि इन्फेक्टेड लोगों को पता करने में कि कहीं इन्फेक्टेड लोग ऐसे तो नहीं हैं जो टेस्टिंग से बचे हुए हैं। क्योंकि अभी जो है भारत में क्या हो रहा है, टारगेट टेस्टिंग हो रही है, पर्टिकुलर जगहों की टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा केसेस निकल कर आए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर स्ट्रिप को बनाया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अभी ये पेपर स्ट्रिप जो है ICMR के पास जाएगा, ठीक है। ICMR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ICMR की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी एज IRFA, ठीक है। IRFA के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर बलराम भार्गवा, ठीक है। डॉक्टर बलराम भार्गवा इसके अध्यक्ष हैं, और जो इस टेस्टिंग को चला रहा है, IGIB की जो टीम है जो इसको चला रही है, उसमें जो टीम लीडर हैं वो कौन कौन है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो हैं डॉक्टर सुविक मैती और देव्योजीत चक्रवर्ती, ठीक है। डॉक्टर देव्योजीत चक्रवर्ती ये दोनों इस टेस्टिंग में लीड के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है टेस्टिंग के लिए जाएगा ICMR। जैसे ही ICMR इसको अप्रूव कर देती है, तब ये टेस्टिंग के लिए ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये पेपर स्ट्रिप्स हैं, ये हमारे लोकल फैसिलिटीज़ पर प्रोवाइड हो जाएगी, और लोग वह खुद से ही ये टेस्टिंग अपने आप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइज। एक बार ICMR के बारे में आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि ICMR क्या होता है। 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी ICMR की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उस समय के ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत करी थी, सिंपल सी बात है। और इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में, और अब जब आज़ाद हुआ भारत, तो आज़ाद होने के बाद इसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी फिर स्थापना हुई 1949 में, ठीक है। तो भारत में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं, उन सबको अप्रूवल के लिए कहीं ना कहीं ICMR ही अप्रूव करता है, जिसके बाद वो फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी बच्चों कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो एक यह कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि ज़्यादा टेस्टिंग होगी तभी हम ढंग से पता कर पाएंगे कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, और जितना जल्दी हमें इस अफेक्शन के बारे में पता चलेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उतनी जल्दी उन लोगों का इलाज भी हो सकेगा, या फिर वे आइसोलेट हम कर पाएंगे, क्योंकि उनका आइसोलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में अगर कुछ चुनिंदा 1000 को हम आइसोलेट करके कुछ समय के लिए रखते हैं,
तो उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और यही मैं जो है विनती करूंगा, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई डर इस तरह का है कि वे सोचते हैं कि ये उनको आइसोलेशन करने का जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं उसको CA NRC से जोड़ रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, ये जो सिचुएशन है ये पूरे विश्व में बनी हुई है और आइसोलेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लीजिए, अफवाहों में मत जाइए और इस समय अपने घर पर रहिए। ठीक है गाइज, तो इसी तरह के लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये थी आज का कोरोना अपडेट। और जाने से पहले बिल्कुल हमारे बैचेस आ रहे हैं गाइज, फाउंडेशन बैच आ रहा है और HSSC का कंप्लीट बैच आ रहा है। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और HSSC का कंप्लीट बैच हरियाणा क्लर्क की जितनी जॉब्स होती हैं, हरियाणा के जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इन दोनों बैचेस को अवेल कर सकते हैं हमारे स्टोर डॉट अड्डा पर। जब आप अवेल करेंगे तो Y203 कोड को अप्लाई करेंगे, जिस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। और जाते समय इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए सेशन कैसा लगा, और आप भी अपने तौर पर बताइए कि और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि इस मुसीबत से प्रिवेंशन हम हमारे लोगों का कर सकें। ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पर जो जो चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी भाई देखो ज़्यादा अभी दवाइयों वगैरह में मत जाइए। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जब जानकारी आती है, केवल उसी के बाद उस दवाई का या उस टेस्टिंग का उपयोग कीजिए। ठीक है, ऐसे अफवाहों में जाकर किसी भी दवाई का उपयोग मत कीजिएगा। और शेयर कीजिए गाइस अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSC Adda 24/7 को। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक सेशन के साथ। मेरा नाम है समीर सिंगल। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, थैंक यू गाइज, एंड बाय गाइज।